इतिहास की पहली किताब अध्याय 4 यहूदा के वंश। यहूदा के पुत्र पेरेस, हेश्रोन, कर्मी, हूर और शबाल। शबाल के पुत्र रामा से यहत और यहत से अहुमे और लहद उत्पन्न हुए। ये रसोई कुल है। एताम के पिता के ये पुत्र हुए अर्थात यिज्रिल, येशमा और युद्दास, जिनकी बहन का नाम हर्षलेल पोनी था और गदोर का पिता पनुएल और रूसा का पिता एजेर। ये एप्राता के जेठे हुर की संतान है जो बेतलम का पिता हुआ। तको के पिता अशहूर के हिशा और नारा नामक दो स्त्रियां थी। नारा से अहुजाम, हेपेर, तेमनी, हाहशतारी उत्पन्न हुए। नारा के यही पुत्र हुए हेला के पुत्र सेरेत, यिशहर और एला। इतना कोशे, अनूब और शोबेबा हुए और उसके वंश में हारून के पुत्र हरहेल के कुल भी उत्पन्न हुए। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। अन्य पारिवारिक सूचियां। फिर सुहा के भाई कलुब से एस्तोन का पिता महीर उत्पन्न हुआ। एस्तोन के वंश में रामा का घराना और पासे और इर्नाहास का पिता तहिना उत्पन्न हुए। रेका के लोग यही है। कनज के पुत्र ओतनील और सरायहा और ओतनील का पुत्र हतत। मोनोतो से ओपरा और सराया से योआब जो गहरासीम का पिता हुआ। ये कारीगर थे। यह पुत्र के पुत्र कालेब के पुत्र एला और नाम और एला का पुत्र कनज। एहलेल के पुत्र जीप, जीपा, तिरिया और असरेल। एज्रा के पुत्र येतेर, मेरेद, एपेर और यालोन और उसकी स्त्री से मिरियाम। सम्मे और एस्तमो का पिता यिशबे उत्पन्न हुए। उसकी बहन यहूदुन स्त्री से गद्दोर का पिता येरेद। साको का पिता हेबेर और जानोह का पिता यकुतियेल उत्पन्न हुई। ये फिरौन की बेटी बित्या के पुत्र थे जिन्हें येरेद ने ब्याह लिया था। होदिया की स्त्री जो नहम की बहन थी उसके पुत्र किला का पिता एक गेरेमी और एस्तमो का पिता एक माकाई। सिमोन के पुत्र अमनोन, रिन्ना, बेनहनान, तोलान और बीशी के पुत्र जेहेत और जेनेहेतेत। सेला के वंश। यहूदा के पुत्र सेला के पुत्र नेका का पिता एर, मारेशा का पिता लादा और बेत अत्सेब में उस घराने के कुल जिनमें सन के कपड़े का काम होता था। और योकीम, कोरजबा के पुत्र मनुष्य और योआस और शपात जो मोआब में प्रभुता करते थे और याशूब, लेहेम। इनका वृतांत प्राचीन है। ये कुमार थे और नताइम और गदेरा में रहते थे जहां वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे। शिमोन की वंशावली। शिमोन के पुत्र नमुएल, यामीन, यारीब, जेरह और शाउल। और शाउल का पुत्र शलूम, शलूम का पुत्र मिबशाम और मिबशाम का मिस्मा हुआ। मिस्मा का पुत्र हमुएल, उसका पुत्र जकर और उसका पुत्र शिमी। शिमी के 16 बेटे और 6 बेटियां हुई, परंतु उसके भाई के बहुत बेटे न हुए और उनका सारा कुल यहूदा वंशियों के बराबर न बढ़ा। वे बेरशरबा, मोलादा, हर्सलुआल, बिला,
एसेम, तोलाद, बतुएल, होर्मा, शिकलग, बेतरमबोत, हर्षबुशीम, बेसबिरी, सेरेम में बस गए। दाऊद के राज्य के समय तक उनके यही नगर रहे। उनके गांव एताम, एन, शिमोन, केतेन और आसान नामक 5 नगर और बाल तक जितने गांव इन नगरों के आसपास थे, उनके बसने के स्थान यही थे और यह उनकी वंशावली है। फिर मशोबाब और यमलेख और अमशिया का पुत्र योशा और योएल, योशियाबा का पुत्र येहू जो सराय का पोता और एसीएल का परपोता था और एलियोने और याकोबा, यशोया, अशाया, एदियल और यमियल और बनाया और सिमी का पुत्र जीजा जो एलोन का पुत्र, यह यहयादा का पुत्र, यह शिमरी का पुत्र, यह शमाया का पुत्र, ये जिनके नाम लिखे हुए हैं अपने अपने कुल में प्रधान थे और उनके पितरों के घराने बहुत बढ़ गए। ये अपनी भेड़ बकरियों के लिए चारागाह ढूंढने को गद्दोर की घाटी की तराई की पूर्व की ओर तक गए और उनको उत्तम से उत्तम चारागाह मिली और देश लंबा चौड़ा चैन और शांति का था क्योंकि वहाँ के रहने वाले हाम के वंश के थे जिनके नाम ऊपर लिखे हैं। उन्होंने यहूदा के राजा हिजकिया के दिनों में वहाँ आकर जो नूमी वहाँ मिले डेरों समेत मारकर उनका ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं है और वे उसके स्थान में रहने लगे क्योंकि वहाँ उनकी भेड़ बकरियों के लिए चारागाह थी। उनमें से अर्थात सिमोनियों में से 500 पुरुष अपने ऊपर पेतल्या, नाराया, रपाया, उजियाल नामक यस्सी के पुत्रों को अपना प्रधान ठहराया। तब वे सेईर पहाड़ को गए और जो महालेक की बचकर रह गए थे उनको मारा और आज के दिन तक वहाँ रहते हैं। थैंक यू।